To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास ग्राफ्स। ग्राफ्स होते क्या हैं, ग्राफ किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ग्राफ्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, वो सब हम आज देखेंगे। देखें, बेसिकली ग्राफ है क्या। ग्राफ इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक टूल है जिसे हम ग्राफ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक्स और वाई दो वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 और 10, 20, 30, 40 और 50 पांच वैल्यूज हैं। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। और अगर हम इन दोनों का बिहेवियर देखना चाहें 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 तो 1 पे 10, 2, 20, 3 हमें एक बिहेवियर नज़र आया कि अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज़ नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कोई अलग से कोई ग्राफ कोई चीज़ नहीं है कि आप अलग से कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं, नहीं। जो आपके पास फिगर्स मौजूद हैं उसी फिगर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है ग्राफ से, इन लाइन से। तो ये आपके पास क्या कहला रहा है, ये आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो ग्राफ इज़ नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अच्छा, ये बात ध्यान में रखें, ग्राफ नंबर्स का ही बनेगा, क्वालिटेटिव ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है। तो जितने भी आप क्वालिटेटिव आपके पास क्वांटिटेटिव आपके पास चीज़ें हों, नंबर्स आपके पास मौजूद हों, तो उनको एनालाइज करने का एक आसान तरीका जो हमारे पास मौजूद है वो है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। अच्छा, ग्राफ कैसे आसान करता है चीज़ों को और ग्राफ किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखें, एक इंडिविजुअल है जो एक क्रिकेट मैच देखने जाता है। अब वो फर्स्ट इनिंग भी देखेगा वनडे की, सेकंड इनिंग देखेगा, अब बहुत सारे कुछ देखेगा। कुछ बातें उसको याद रहेंगी, कुछ बातें उसको याद नहीं रहेंगी। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल है जिसने पूरा मैच नहीं, एक बॉल भी नहीं देखी, लेकिन अगर मैं उसको ये ग्राफ बना दूं कि यहाँ रखूँ मैं ओवर्स, यहाँ मैं रख लूँ रन, जैसे ये ओवर्स गुजर रहे हैं, रन इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, फिर इसके साथ साथ यहाँ पर 1, 2, 3 जितने भी ओवर्स हैं, और अगर कहीं विकेट हुए है तो आपने वो विकेट दिखा दी। और इसी तरह कोई दूसरी टीम है, उसका शुरू में ग्राफ बड़ा ऊपर गया, फिर आखिर में आकर जो भी हुआ ये। अब हुआ क्या कि अगर किसी ने मैच नहीं भी देखा ना, तो इस ग्राफ से पूरा मैच का एनालिसिस बड़ी आसानी से कर लेगा कि कब किन ओवर्स में पहले वाली टीम ने ज़्यादा रन बनाए, किस ओवर्स में दूसरी टीम ने ज़्यादा रन बनाए, किस ओवर्स में किसकी विकेट गिरी थी। तो हुआ क्या कि पूरा मैच जिसने नहीं भी देखा, ये ग्राफ उस पूरे मैच को एक्सप्लेन कर रहा है। तो एक बात जहन में रखें, जिस तरह किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग के बहुत सारे टूल्स होते हैं, तो ग्राफ भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो इकोनॉमिक्स के स्पेशली इकोनॉमिक्स और बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं, इकोनॉमिक्स के स्पेशली बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में आसानी देता है। अदरवाइज अगर हम खाली वर्बल उसको डिस्कस करना शुरू कर दें तो हो सकता है चीज़ें उतनी आसानी से समझ ना आए। तो ग्राफ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम आज इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसकी बेसिक रीज़न ये है कि ग्राफ एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो किसी भी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में आसानी देता है। तो ग्राफ है क्या, नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और ये एक टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, यहां जो हमारा फोकस है वो है टू डाइमेंशनल ग्राफ्स। टू डायमेंशनल मीन्स यानी जिसमें दो एक्सिस मौजूद हों, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अगर ये जेड भी ले आऊंगा तो वो थ्री डायमेंशनल ग्राफ हो जाएगा, वो अभी हमारा फोकस नहीं है। और ग्राफ को, ग्राफ के बिहेवियर को, टू डायमेंशनल ग्राफ के बिहेवियर को समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी हम समझने जा रहे हैं वो है हमारे पास स्लोप। स्लोप क्या चीज़ होती है, देखें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो पॉइंट्स मौजूद हैं x1, y1, x2, y2, 10, 2,
ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू। अगर आप इसका स्लोप निकालना चाहें तो बेसिकली स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, टू ओवर टू आंसर आ गया वन। अच्छा अब ये शो क्या कर रहा है ये वन आंसर, इसको ज़रा गौर से देखना। अच्छा वाई टू माइनस वाई वन बेसिकली क्या है, इसको हम कह सकते हैं चेंज इन y, और x2 माइनस x1 बेसिकली चेंज इन x, और इसका अल्टीमेट आंसर हमारे पास क्या आया है, 1। असल में कोई भी नंबर लिखा होता है तो वो अलग तो लिखा हुआ नहीं होता, ये देखने में तो खाली 1 है लेकिन इसके डिनोमिनेटर में भी एक 1 लिखा हुआ है। अगर आप इसको इंटरप्रेट करें तो ये हमें क्या बता रहा है कि अगर x में 1 यूनिट का चेंज आएगा तो y में भी 1 यूनिट का चेंज आएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये जो स्लोप है विच शोज चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, ये आपको बता क्या रहा है कि y में कितना चेंज आ रहा है अगर x में 1 यूनिट को चेंज किया जाए, यानी इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए। तो व्हाट डज स्लोप, स्लोप क्या बता रहा है, चेंज इन y ड्यू टू यूनिट चेंज इन एक्स, वाई में कितना चेंज आ रहा है किसके चेंज होने की वजह से, जी एक्स के चेंज होने की वजह से। इस चीज को हम कहते हैं क्या, स्लोप, चेंज इन वाई ड्यू टू यूनिट चेंज इन एक्स। अब फॉर एग्जाम्पल यहां इत्तेफाक से वन आ गया, लेकिन अगर यही वैल्यू हम यहां पे सिक्स कर लें तो यहां पर सिक्स आ जाएगा, सिक्स माइनस टू यहां पर फोर आ जाएगा, 4 का मतलब ये आंसर 2 आ जाएगा। तो अब जो आपके पास आंसर बनेगा 2 ओवर 1, बेसिकली ये बता रहा होगा कि अगर x में 1 यूनिट का चेंज होगा तो y में कितने यूनिट का चेंज होगा, 2 यूनिट्स का चेंज होगा। तो ये तो था आपके पास स्लोप, व्हाट डज स्लोप शो, चेंज इन y ड्यू टू यूनिट चेंज इन x, यहाँ तक बात हो गई। अब स्लोप दो तरह के होते हैं, स्लोप पॉजिटिव भी होता है, स्लोप नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव स्लोप किसे कहते हैं, नेगेटिव स्लोप किसे कहते हैं, देखिए एक तो बड़ी आसान सा तरीका है कि अगर इसका आंसर प्लस में आ रहा है तो आप कहेंगे स्लोप पॉजिटिव है, अगर इसका आंसर माइनस में आ रहा है तो आप कहेंगे स्लोप नेगेटिव है, यहाँ इत्तेफाक से प्लस में आ रहा है तो आप कह रहे हैं स्लोप पॉजिटिव है। लेकिन इसकी बाकायदा डेफिनेशन है कि पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या है, पॉजिटिव स्लोप उस वक्त कहते हैं व्हेन बोथ वेरिएबल्स मीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, यानी अगर x और y सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, यानी अगर आप x को इंक्रीज करेंगे तो y भी इंक्रीज कर जाए, x को डिक्रीज करेंगे तो y भी डिक्रीज कर जाए, दोनों सेम डायरेक्शन है, इसका मतलब है पॉजिटिव स्लोप है। और नेगेटिव स्लोप कब होता है, व्हेन x एंड y आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है, और अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज हो रहा है। अब यहां पर इत्तेफाक से देखेंगे x1, y1, x2, y2, x इंक्रीज हुआ तो y भी इंक्रीज कर गया, तो देखें आंसर पॉजिटिव में आ गया क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है। तो आपके पास स्लोप क्या हुआ, चेंज इन y ड्यू टू यूनिट चेंज इन x, y में कितना चेंज आ रहा है किसके चेंज होने की वजह से, x में एक यूनिट के चेंज होने की वजह से। और स्लोप दो तरह के हैं, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप का क्या मतलब है कि जब x और y के चेंज होने की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, अगर x को इंक्रीज करेंगे तो y भी इंक्रीज करेगा, x को डिक्रीज करेंगे तो y भी डिक्रीज करेगा। और नेगेटिव स्लोप का मतलब है व्हेन x एंड y आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी अगर x को इंक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू डिक्रीज होती हुई नजर आएगी, और x को डिक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। तो ये तो था हमारे पास स्लोप, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लोप एंड व्हाट डज दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप मीन। अब इसके बाद हम ग्राफिकल रिलेशनशिप की तरफ मूव करते हैं। अब देखें दो तरह के रिलेशनशिप हमें मिलते हैं, एक मिलता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर। लीनियर को हम स्ट्रेट भी कहते हैं, स्ट्रेट लाइन, लीनियर लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन क्यों कहते हैं, हम अगर ड्रॉ करें तो आप ये आसानी से बता तो देंगे ये स्ट्रेट लाइन है। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन मैंने बना दी और आप कह भी देंगे हाँ ये स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसको स्ट्रेट क्यों कहते हैं, स्ट्रेट का मतलब क्या है, अब देखें जरा गौर से। अब इस लीनियर और स्ट्रेट की डेफिनेशन पे जा रहे हैं,
लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया, फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू कितनी है 5, मैं एक x इंक्रीज कर रहा हूँ 2 कर दिया और इत्तेफाक से y की वैल्यू हो गई 10, एज्यूम्ड 10 हो गई, तो x के 1 यूनिट के चेंज होने से y में कितने यूनिट का चेंज आया, 5 यूनिट का चेंज आया, x के 1 यूनिट के चेंज होने से y में कितना चेंज आया, 5 के चेंज आया, तो चेंज इन y ड्यू टू यूनिट चेंज इन x, ये क्या था, ये स्लोप था, इसका मतलब इस वक्त जो स्लोप मौजूद है वो कितना मौजूद है, 5 मौजूद है, यानी 5 y में 5 यूनिट का चेंज आ रहा है अगर हम x में 1 यूनिट को चेंज करें, ओके okay. अच्छा इसी तरह अगर हम x बढ़ाते बढ़ाते 100 ले जाएं तो y कितना हो जाएगा, 500 इसी रेशो से, और अगर यहाँ पर फिर अगर 101 करें, x का 1 यूनिट बढ़ाएं, तो यहाँ पर एज्यूम कर दें जैसे आ गया 505, इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ मैंने x का 1 यूनिट चेंज किया तो y में 5 यूनिट का चेंज आया, जब यहाँ मैंने x का 1 यूनिट चेंज किया 100 से 101 तो y कितना आया, 500 से 505, यहाँ भी कितना चेंज आया, 5 यूनिट का चेंज आया, इसका मतलब ये हुआ ये एक ऐसी लाइन है जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर मैं स्लोप निकालूं, स्लोप का मतलब चेंज इन y निकालूं ड्यू टू यूनिट चेंज इन x, तो वो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं इस पूरी लाइन पर स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है, तो याद रखिएगा अ लाइन हैज अ कांस्टेंट स्लोप, अ लाइन हैज अ कांस्टेंट स्लोप कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, अ लाइन हैज अ कांस्टेंट स्लोप इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, कोई सी भी ऐसी लाइन जिसका स्लोप कांस्टेंट हो थ्रू आउट द लाइन, स्लोप कांस्टेंट हो उस लाइन को आप क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन और लीनियर रिलेशनशिप। अच्छा अब टू डायमेंशन में जो हम जिस रिलेशनशिप को हम देखने जा रहे हैं वो है हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप। अच्छा अब देखें ये एक लाइन है आपके पास, अच्छा है ये स्ट्रेट है ये लीनियर, तो कोई इशू ही क्योंकि हम डिस्कस ही लीनियर को कर रहे हैं, नॉन लीनियर डिस्कस ही नहीं कर रहे। अच्छा और हमें ये भी पता है कि जब भी x में 1 यूनिट का चेंज आएगा y में जो भी चेंज होगा वो कांस्टेंट होगा क्योंकि स्लोप कांस्टेंट होने की वजह से ये लीनियर है, अदरवाइज ये लीनियर नहीं रहता। अच्छा अब हमें ये देखना है कि इसका जो भी स्लोप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि है तो सारे जो भी हम बनेंगे इसमें वो सारे लीनियर होंगे क्योंकि हम लीनियर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव की डेफिनेशन हम देख चुके हैं, व्हेन बोथ वेरिएबल्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन चाहे इंक्रीज में या डिक्रीज में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और इस तरीके से अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो नेगेटिव रिलेशनशिप है। ग्राफिकली कैसे जानेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई सी भी लाइन ले लें, जैसे ये लाइन हमने कंसिडर कर ली, इसमें अपनी मर्जी का कोई सा भी पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पर ये एक्स आ गया, यहाँ पर ये वाई आ गया, अब अपनी ही मर्जी से कोई दूसरा पॉइंट कंसिडर कर लें, जैसे लाइक दिस ये आ गया आपके पास एक्स टू वाई टू, अब देखें एक्स भी पहले से इंक्रीज हो रहा है वाई भी पहले से इंक्रीज हो रहा है, या अगर यहाँ की जगह मैं यहाँ ले लेता तो एक्स भी डिक्रीज हो जाता वाई भी डिक्रीज हो जाता, इसका मतलब है इस शेप में दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है, और अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब रिलेशनशिप कैसा हुआ, पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ व्हेन बोथ वेरिएबल्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये कैसा रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप है, और लीनियर रिलेशनशिप के साथ कैसा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इस पॉजिटिव रिलेशन को हम कैसा कह सकते हैं, व्हेन x इज इंक्रीजिंग y इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप आ गया। ओके अच्छा है ये लीनियर और है भी कांस्टेंट, जब भी एक्स इंक्रीज होगा वाई इंक्रीज होगा कांस्टेंट वैल्यू से, तभी ये लीनियर है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। अच्छा ये अगर ये रिलेशनशिप आ जाए, है तो ये लीनियर कि एक्स जब भी चेंज होगा वाई में एक पर्टिकुलर अमाउंट का चेंज आएगा और वो ही रहेगा पूरी लाइन पर, क्योंकि लाइन कैसी है, लीनियर है, स्लोप कांस्टेंट है। अब ये देखना है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो अब देखें जरा, जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे पता करेंगे, एक लाइन बनाएं, अपनी मर्जी से कोई एक पॉइंट लें, फिर अपनी ही मर्जी से कोई दूसरा पॉइंट ले लें, अब इस पॉइंट पर देखें x इंक्रीज हो गया है
जबकि y डिक्रीज हो गया। तो x का इंक्रीज होना और y का डिक्रीज होना ये बता रहा है कि रिलेशनशिप कैसा है, आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इट शोज द नेगेटिव रिलेशनशिप। इट मीन व्हेन x इज इंक्रीजिंग y विल डिक्रीज। ये आपके पास पॉजिटिव स्लोप, ये आपके पास नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप। अब अगर लाइन फॉर एग्जांपल ऐसी बना लें, दिस वन। अच्छा, अब एक मिनट के लिए पॉज करके सोचें कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। ऑब्वियसली ये लीनियर है क्योंकि हम लीनियर की केस में ही इसको डिस्कस कर रहे हैं। कंडीशन क्या है कि यहाँ पर y की ये वैल्यू है, x की चाहे x1 हो, चाहे x2 हो, चाहे x3 हो, चाहे x4 हो, चाहे x5 हो। अच्छा, यानी x इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, लेकिन y की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब देखें स्लोप का फार्मूला क्या है, चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x। y की कोई वैल्यू तो है लेकिन x के चेंज होने से y की वैल्यू में कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा। तो चेंज नहीं आ रहा, चेंज ज़ीरो है, इसका मतलब डेल्टा y ज़ीरो है। डेल्टा एक्स कुछ भी हो सकता है, 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4 कोई भी वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 5 लिख दूँ एज्यूम्ड, तो किसी भी न्यूमिनेटर में अगर ज़ीरो आ जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसकी स्लोप की वैल्यू थ्रू आउट दी लाइन कैसी है, ज़ीरो है। और ये जिस रिलेशनशिप की बात करेंगे, जिस तरह हमने कहा यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप, यहाँ नेगेटिव रिलेशनशिप, तो याद रखें पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप उसी वक्त होगा जब एक के चेंज होने से दूसरा चेंज हो रहा होगा। यहाँ स्लोप तो कांस्टेंट है, लाइन तो स्ट्रेट है, लेकिन एक्स के चेंज होने से वाई पे कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है आप कहेंगे नो रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप उसी वक्त होगा जब एक के चेंज होने से दूसरा चेंज हो रहा है। इसी तरह यहाँ ले आए, अगर रिलेशनशिप ऐसा हो, अब यहाँ पर इसका रिवर्स केस है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, y की वैल्यू y1, y2, y3 वो जितनी भी आप इंक्रीज या डिक्रीज करते चले जाएं। इसका मतलब यहाँ इस केस में, अब अगर आप गौर से देखें तो y तो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, इसकी वैल्यू आप रख दें फॉर एग्जांपल 5, लेकिन x चेंज नहीं हो रहा। और किसी भी वैल्यू के डिनोमिनेटर में अगर आंसर जीरो आ जाए तो ये आंसर बन जाता है क्या, इनफाइनाइट। इसका मतलब इस लाइन का स्लोप कैसा, इनफाइनाइट, और पूरी लाइन पर ही इनफाइनाइट रहेगा। तो अ लाइन हैज अ कांस्टेंट स्लोप, चाहे जीरो हो, इन्फिनिटी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जब कांस्टेंट हो जाता है और पूरी लाइन पर वही स्लोप रहता है तो लाइन कैसी कहलाती है, स्ट्रेट। लेकिन जब रिलेशनशिप की बात करेंगे तो यहाँ पर वाई के चेंज होने से एक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आप कहेंगे नो रिलेशनशिप, ये लाइन किसी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। तो ये तो थे आपके पास टू डायमेंशनल ग्राफ्स में लीनियर रिलेशनशिप। इसके अलावा टू डायमेंशनल ग्राफ में लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, कोई सी भी आप शेप बनाएंगे वो इन्हीं चारों से मिलकर बनेगी। आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स। फोर हमने ग्राफ डिस्कस किए लीनियर रिलेशनशिप के, और फोर ही हम डिस्कस करेंगे किसके, नॉन लीनियर रिलेशनशिप के। अच्छा, एक बात नॉन लीनियर ऊपर लिखने से तो ये बात प्रूव जहन में पहले से ही कंफर्म हो गई, क्या कि आप जो भी लाइन बनेगी उसका स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर स्लोप कांस्टेंट हो जाए तो वो नॉन लीनियर नहीं रहेगा, वो लीनियर बन जाएगा। तो स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा, नॉन लीनियर होगा, यानी हर पॉइंट पर चेंज होगा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये एक लाइन आपके पास आ गई। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें ये पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन बहुत ही आसान है, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एक पॉइंट कंसिडर करें x, y, दूसरा लें, x भी बढ़ गया, y भी बढ़ गया, इसका मतलब रिलेशनशिप है तो पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है अगर x इंक्रीज होगा तो y भी कैसा होगा, इंक्रीज होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब कैसे इंक्रीज होगा, क्योंकि पहले तो ये था कि x इंक्रीज होगा, y इतनी वैल्यू से इंक्रीज होगा, कांस्टेंट था। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, x इंक्रीज होगा, y इंक्रीज होगा, लेकिन y के चेंज होने की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो वेरी करेगी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर x1 है तो आपने कह दिया y5, अगर x2 है तो आपने कह दिया y9, अगर x3 है तो आपने कह दिया y12, अगर x4 है तो आपने कह दिया y14। अब यहाँ इन वैल्यूज़ को बहुत गौर से देखना है। देखें x इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, x इंक्रीज हो रहा है, साथ साथ y भी देखें 5, 9, 12, 14, y भी इंक्रीज हो रहा है।
बिल्कुल ठीक है, एक्स इज इंक्रीजिंग, वाई इज इंक्रीजिंग, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। लेकिन अब एक बात क्या हो, गौर से देखें, वाई इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन वाई जब एक्स फर्स्ट यूनिट हुआ तो वाई 5 से इंक्रीज हुआ, जब x एक और यूनिट बढ़ा तो y इंक्रीज हुआ, लेकिन अब 5 से नहीं, अब 4 से इंक्रीज हुआ, 5 से 9 यानी 4 यूनिट। फिर x के साथ y 3 से इंक्रीज हुआ, फिर x के इंक्रीज से y 2 से इंक्रीज हुआ। इसका मतलब x इंक्रीज होने के साथ साथ y इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन y के जो इंक्रीज होने की स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही है, 5 यूनिट, 4 यूनिट, 3 यूनिट, 2 यूनिट्स। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इंक्रीजिंग, y इज इंक्रीजिंग, लेकिन इंक्रीज होने की क्योंकि स्पीड कम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इंक्रीजिंग, y इज इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट। x इंक्रीज हो रहा है, y इंक्रीज हो रहा है, लेकिन y के इंक्रीज होने की जो स्पीड है वो कम होती चली जा रही है, तो हमने उसको यहां पे लिख दिया विद y इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट। आगे आते हैं यहां पे, अब अगर आप इसको देखें गौर से, अच्छा है तो ये नॉन लीनियर ही। अच्छा, आप रिलेशनशिप अगर गौर करें तो आप उसी तरह अगर आप मालूम करना चाहें तो ये देख लें, ये x इंक्रीज हो रहा है, y भी इंक्रीज हो रहा है, तो है तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप। और पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब वही होगा कि अगर x इंक्रीज करेगा तो y भी इंक्रीज ही करेगा, क्योंकि रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव है। लेकिन कैसे इंक्रीज करने का रेट क्या होगा, स्लोप कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा होगा वो देखें। अब देखें यहाँ पर, अगर x अगर 1 है तो y भी 1 है, x अगर 2 है तो y हो गया 3, x अगर 3 है तो y हो गया 6, x अगर 4 है तो y हो गया 10, इसी तरह x अगर 5 है तो y हो गया 15। अब यहाँ पर आप देखें x वही 1 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन y बढ़ रहा है, पहले 1 यूनिट से बढ़ा, फिर 1 से 3 हुआ 2 यूनिट से बढ़ा, फिर 3 से 6 हुआ 3 यूनिट, 4, 5। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं x इज इंक्रीजिंग, y इज इंक्रीजिंग, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन y के जो इंक्रीज होने की स्पीड है वो भी ऐसा ऐसा क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो हम कहेंगे x इज इंक्रीजिंग, y इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट। y के बढ़ने की स्पीड भी क्या होती है, ऐसा ऐसा बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाएं, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास रिलेशनशिप आ जाए, ये रिलेशनशिप। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर मैं उसको यहाँ ड्रॉ करके देखना चाहूँ तो एक बढ़ गया, दूसरा कम हो गया, इसका मतलब है तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि अगर x इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है y डिक्रीज होगा। अब कैसे डिक्रीज होगा, किस स्पीड से डिक्रीज होगा वो देखते हैं। x अगर 1 है तो लेट सपोज y 50, x 2 y 49, x 3 y 47, x 4 y 44, x 5 y 40। अब देखें जरा, पहले 1 यूनिट से डिक्रीज हुआ, फिर 2 यूनिट से डिक्रीज हुआ, फिर 3 यूनिट से डिक्रीज हुआ, फिर 4 यूनिट से डिक्रीज हुआ। इसका मतलब है x के इंक्रीज होने के साथ y डिक्रीज कर रहा है, लेकिन y के डिक्रीज करने की जो स्पीड है ना वो बढ़ती चली जा रही है। तो हम कह सकते हैं x इज इंक्रीज, देखें डिक्रीज होने की स्पीड बढ़ रही है, 1 यूनिट से डिक्रीज, फिर 2 यूनिट से डिक्रीज, फिर 3 यूनिट से डिक्रीज हो रहा है, लेकिन डिक्रीज होने की स्पीड बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं x इज इंक्रीजिंग, y इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट। y डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज होते हुए स्पीड बढ़ रही है, तो हम कहेंगे x इज इंक्रीजिंग, y इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट। और जो लास्ट केस हमारे पास है वो कुछ ऐसा है, अगर हम इसको गौर से देखें तो देखें, अच्छा रिलेशनशिप निकालेंगे तो वही नेगेटिव रिलेशनशिप ही आएगा। नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि अगर x इंक्रीज होगा तो लाजमी y
डिक्रीज हो रहा होगा। अच्छा अब यहाँ अगर x1 है तो y50, x2 है तो y45, 45, x3 है तो y41, x4 है तो y38। अब देखें जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है y डिक्रीज हो रहा है, रिलेशनशिप नेगेटिव है, लेकिन पहले यूनिट में 5 यूनिट डिक्रीज हुआ, फिर 4, फिर 3, फिर इस तरह के जाएगा 2। इसका मतलब है x इंक्रीज होने के साथ साथ y डिक्रीज हो रहा है, लेकिन y के डिक्रीज होने की जो स्पीड है वो भी ऐसा ऐसा क्या होती जा रही है, कम होती चली जा रही है। तो हम कह रहे हैं x इज इंक्रीजिंग y इज डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट। तो ये तो थे आपके पास बच्चों फोर नॉन लीनियर रिलेशनशिप इन टू डायमेंशनल ग्राफ। अब हम इन तमाम एट ग्राफ्स को कंक्लूड करते हैं। अब देखिए बच्चों, हमने फोर लीनियर और फोर नॉन लीनियर ग्राफ को हमने स्टडी किया, टू डायमेंशनल ग्राफ। अब यहाँ पर हम अपनी मर्जी से आप चाहें तो कोई सी भी फिगर बना लें अपने पास, आप एक पेपर लें, पेन लें और अपनी मर्जी से कोई सा भी ग्राफ बना लें। कुछ भी बना दें, इवन सर्कल बना दें। तो अब अगर आप गौर से देखें तो जो एट रिलेशनशिप हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं उसके अलावा ये कोई और रिलेशनशिप नहीं है। आप देखें इस ग्राफ को अगर स्प्लिट करूँ तो ये सभी हम पढ़ चुके हैं, ये सभी हम पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये जो बाउल शेप्ड है ये असल में ये सभी हम पढ़ चुके हैं और ये सभी हम पढ़ चुके हैं। इस तरीके से इस शेप में आप देखें तो हर पार्ट, हर हर पार्ट को अगर अलग अलग चाहें तो हम आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं। इवन जो हमारे पास ये सर्कल बना है ये भी कोई नई डायग्राम नहीं है, उन्हीं जो फोर नॉन लीनियर रिलेशनशिप थी उनका कम्बिनेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है टू डायमेंशनल ग्राफ्स की, किसी भी दुनिया की कोई किताब उठाएं उसको खोलें उसमें टू डायमेंशनल ग्राफ होंगे तो वो आप आसानी से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रह गया कि ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग जो टूल हमने इकोनॉमिक्स के अंडरस्टैंडिंग में इस्तेमाल करना था वो तो हमने यहाँ पर देख लिया। अब हमने थ्योरीज को समझ कर उसकी ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए अब हमने ये बताना है कि एक्स असल में ये है, वाई ये है, तो उसका रिलेशनशिप इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट है और इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट है। तो पूरे कोर्स का जो मेन टूल है वो तो आज हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स आपके पास होंगे इवन इसके अलावा भी, तो वो आप हम ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग तो देख चुके हैं, बस हम थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग करके ग्राफिकली हम उस पर अप्लाई करेंगे। तो आई होप ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।